गंगा मैया बहत रहली। गंगा के पानी में जीवन के हर कोना में कुछ न कुछ नया देखे के मिलेला। बड़की छल छलात और रहस्य से भरल गंगा के पानी मछलियां खेलत रहेली, तैरत रहेली और आपन जिंदगी के हर पल के मजा लेत रहेली। एक दिन एगो छोट मछली के जन्म भइल। ओकर नाव रहे बीरबल। बीरबल बहुते फुर्तीला रहे। ओकरा जन्म के दिन से ही उ सबके ध्यान खींचे लागल। ओकर चमकदार खोली देखे वाला के मोहित कर देत रहे। बीरबल बहुते शरारती रहे। उ हमेशा कुछ नया खोजे में लागल रहत रहे। पूरा दिन नदी में उछल कूद मचावत रहे। ओकरा हरकत से नदी के बाकी मछलियां भी खुश हो जात रहेली। ओकर महतारी हमेशा डांटे रहेली, बीरबल ऐसा मत कर, नदी में बहुते खतरा बाड़े, नदी में बहुते खतरा बाड़े, बड़का मछलियां शिकारी पक्षी और इंसान के जाल सब कुछ से बच के रहल जरूरी बा। लेकिन बीरबल कहां सुने वाला रहे। ओकरा बस खेल कूद और मस्ती में मन लागल रहे। एक दिन बीरबल अपना महतारी से बहुते दूर निकल गए। उ नदी के गहराई में तैरत तैरत एगो अनजान जगह पर पहुंच गए। उ एगो सुंदर मछली के पीछे पीछे भागे लागल। उ मछली बहुते सुंदर रहली। ओकरा रंग बिरंगा खोली देख के बीरबल मोहित हो गए। उ मछली बहुते सुंदर रहली। ओकर खोली इंद्रधनुष नेहन रंग बिरंगा रहे। बीरबल ओकरा पीछे पीछे तैरत तैरत नदी के गहराई में पहुंच गए। ओकर खोली इंद्रधनुष नेहन रंग बिरंगा रहे। बीरबल के मन में अब नया जगह के खोज और नया दोस्त बनावे के इच्छा जागल। उ अब नया सफर पर निकल गए। बीरबल बहुत सुंदर मछली के लगे पहुंच गए। नमस्ते, तुम बहुते सुंदर हो, का तू हमरा संगे खेली। ओ मछली हंस के कहली, नमस्ते, हम रानी हई। तोहार नाव का बा? हम बीरबल हई। रानी और बीरबल घंटो खेलत रहे। उ लोग पानी में तैरत रहे। छोट छोट मछलियन के संगे लुका छिपी खेलत रहे। बीरबल रानी के बहुते पसंद करे लागल रहे। अचानक एगो बड़की छाहा ओ लोग पस पर गए। एगो विशालकाय मगरमच्छ ओ लोग के ओर बढ़त आवत रहे। बीरबल और रानी बहुते डर गए। उ लोग के चेहरा पर साफ साफ डर देखल जा सकत रहे। मगरमच्छ बहुते भयानक लागत रहे। ओकर आंख में एक अजीब चमक रहे जिसे उस शिकार के ताक में होखे। ओकर दांत नुकीला चाकू निहन रहे, इतना तेज कि वो एक झटके में कुछुओ काट सकत रहे। बीरबल के दिल जोर जोर से धड़के लागल। ओकरा लागल कि ओकर दिल छाती से बाहर निकल जाए। रानी कांपत कहली, बीरबल हमनी के यहां से जल्दी भागे के पड़ी। ओकर आवाज में डर साफ झलकत रहे। बीरबल जानत रहे कि वह लोग के मगरमच्छ से तेजी से तैरे के पड़ी। नहीं, सू ओह लोग के पकड़ ली। मगरमच्छ ओह लोग के पीछे पीछे आवत रहे। ओकर चाल बहुते तेज रहे। बीरबल और रानी अपना पूरा ताकत से तैरे लागले। उ लोग के हर एक पल जिंदगी और मौत के बीच के रहे। मगरमच्छ ओह लोग के पीछे पीछे आवत रहे। ओकरा से बचल बहुते मुश्किल लागत रहे। बीरबल के अपना महतारी के बात याद आ गेल। नदी में बहुते खतरा बाड़े। उ सोचल कि काश उ महतारी के बात मान लेत, काश उ अपना महतारी के बात मान लेत। ओकरा लागल कि उ लोग के जिंदगी अब खतरा में बा। उ लोग के जल्दी से जल्दी किनारा पर पहुंचे के पड़ी। आखिरकार बीरबल और रानी किनारा पर पहुंच गए। उ लोग के चेहरा पर राहत के भाव रहे। मगरमच्छ अब दूर हो गए रहे। नदी अब शांत लागत रहे। लेकिन बीरबल और रानी के दिल में उ डर के याद हमेशा रहे। उ लोग एक दूसरा के गले लगा के जिंदगी के नया मौका के स्वागत के उ लोग के जिंदगी में ई घटना हमेशा यादगार रहे। मगरमच्छ रानी के बहुते नजदीक आ गेल रहे। बीरबल जानत रहे कि अब कुछ करे के पड़ी। उ हिम्मत जुटवले उरी मगरमच्छ के आंख हमला कर देहल। मगरमच्छ दर्द से चिल्ला उठा। उ बहुते गुस्सा में आ गेल। लेकिन बीरबल के वार कारगर रहे। मगरमच्छ दिशा भटक गेल और एगो चट्टान से जा टकराए। रानी सुरक्षित रहे। उ बीरबल के बहादुरी पर हैरान रहली। बीरबल तू हमार जान बचवले, तुम बहुते बहादुर हो। बीरबल मुस्कुरा दिहल। ओकरा खुशी रहे कि उ रानी के बचवले बा। बीरबल और रानी एगो सुरक्षित जगह पहुंच गए। उ लोग के मन में डर रहे, लेकिन उ लोग के उम्मीद भी रहे। वहां ओह लोग के मुलाकात एगो बूढ़ कछुआ से भइल। कछुआ के चेहरा पर शांति और जान के झलक रहे। कछुआ के नाव रहे कबीरा। कबीरा बहुते जानी रहे। वो हमेशा दूसर जीव के मदद करेला। बीरबल कबीरा के अपना आपबीती सुना देहल। वो बतवलस की कैसे उ लोग के जिंदगी में मगरमच्छ के डर समा गए बा। कबीरा चाचा, हमरा डर लागत बाकी कहीं वो मगरमच्छ फेरू से हमलान कस दे। बीरबल की आवाज में चिंता साफ झलक रहल रहे। कबीरा मुस्कुरा के कहले, घबराओ मत बीरबल, हम तुहार मदद करब।
हमनी के एक साथ मिलके ई समस्या के समाधान खोजब। कबीरा बीरबल औरी रानी के एगो रहस्यमी गुफा के बारे में बतावले। उ गुफा के बारे में सुनते ही बीरबल औरी रानी के आंख में चमक आ गेल। एक गुफा में एगो जादुई मोती बा। ई मोती बहुते शक्तिशाली बा और ई तोहार रक्षा कर सकबा। ई मोती तुम लोग के मगरमच्छ से बचाव सकबा। कबीरा के बात सुन के बीरबल औरी रानी के मन में आशा के किरण जाग गेल। कबीरा बीरबल औरी रानी के साथे गुफा के ओर चल पड़ल। उ लोग के मन में डर औरी उत्सुकता के मिश्रण रहे। गुफा के अंदर पहुंचते ही उ लोग के सामने एक अद्भुत दृश्य खुल गेल। मोती के चमक से पूरा गुफा रोशन हो रहल रहे। कबीरा मोती के ओर इशारा करत कहले, ई मोती तोहार रक्षा करब, अब तू लोग निडर होके रह सकता। बीरबल औरी रानी के मन में अब डर के जगह साहस आ गेल रहे। उ लोग कबीरा के धन्यवाद देके खुशी खुशी वापस चल पड़ल। बीरबल रानी औरी कबीरा रहस्यमी गुफा के ओर चल दिहले। गुफा बहुते अनहार औरी डरावनी रहली। बीरबल थोड़ा डर गई। घबराओ मत बीरबल, रानी कहली, हम तोहार संगे हई। बीरबल हिम्मत जुटा के आगे बढ़त रहल। गुफा के अंदर अजीब तरह के आवाज आवत रहली। अचानक बीरबल के गोड़ एगो पथरा से टकरा गेल। पथरा हटल औरी एगो चमकदार रोशनी फैल गेल। बीरबल देखल कि वो लोग के सामने एगो सुंदर मोती रखल बा। ई रहा जादुई मोती, कबीरा कहले। बीरबल धीरे से मोती के उठवले। मोती से एगो अद्भुत शक्ति के एहसास हो रहल रहे। तभी गुफा हिले लागल। मगरमच्छ भी गुफा के अंदर आ गेल रहे। उ बीरबल चपटा। बीरबल जल्दी से मोती के ऊपर उठवले औरी चिल्ला के कहल, रुक जा। मोती से एगो तेज प्रकाश निकल औरी मगरमच्छ पस गिर गए। मगरमच्छ चिल्ला के गुफा से भाग गए। बीरबल मोती के शक्ति से मगरमच्छ के हरा दिहल रहे। बीरबल रानी औरी कबीरा गुफा से बाहर आ गए। सूरज चमक रहल रहे। नदी शांत रहली। बीरबल मोती के नदी में वापस रख दिहल। ओकरा पता रहे कि मोती नदी के अमानत। बीरबल के बहादुरी के चर्चा पूरा नदी में फैल गए। सब मछरी ओकर बहादुरी के कहानी सुनावे लागली। बीरबल नदी के नायक बन गए रहे। बीरबल सीख गए रहे कि सच्चा वीरता के मतलब सिर्फ ताकतवर होके से नहीं होला, बलुक अपना बुद्धि औरी साहस के इस्तेमाल इसके दूसरन के मदद करे से भी। आप सभी ये कहानी सुने होंगे कि बिराना मच्छी यानी कि बीरबल की, तो एक नन्ही प्यारी सी मच्छी थी और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहे थे। तो इस वीडियो में आपने पूरे में देखे होंगे कि पूरे मच्छी के ऊपर कहानी था, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग देखिए और ऐसे ऐसे कहानी सुनते रहिए जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। कितना खूबसूरत कहानी था। और इस कहानी से सीख मिलता है कि आप लोग एक दूसरे को मदद करिएगा, तभी जाके एक दूसरे को